गुड इवनिंग क्लास 11 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोयम चल रही है, डिवाइस ऑफ द रेन। आज हम लोग इस पोयम के आपकी किताब के शुरुआत के दो स्टंजा का स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मींस आपकी किताब की इस पोयम में तीन स्टंजा दिए हुए हैं स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के दो स्टंजा को कवर करेंगे, बाकी बचे हुए एक अन्य स्टंजा के स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक आपका प्रोज का चार चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी दो पोयम कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी तीसरी पोयम चल रही है। और स्नैपशॉट मीन सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 out of 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल YouTube के बच्चों के लिए है, पेड क्लास में तीनों स्टंजा का स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका है और उसका PDF भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो बच्चे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे यहां पर देखिए आपका पहला स्टंजा है और इस पहले स्टंजा के आधार पर यहां पर देखिए आपका स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। और हमने पांच क्वेश्चन लिए हुए हैं प्यारे, हमने पांच क्वेश्चन लिए हुए हैं। हालांकि आपकी परीक्षा में केवल तीन ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मींस एक स्टंजा दिया रहेगा और उस स्टंजा के आधार पर केवल तीन ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमने यहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए पांच प्रश्न लिए हुए हैं ताकि इस पहले स्टंजा में से कहीं से भी प्रश्न बने आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से प्यारे पहले हम लोग इस पहले स्टंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसके हिंदी अर्थ इस मींस इस पहले स्टंजा के हिंदी अर्थ को आपको तेजी से बताएंगे। तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले करा चुके हैं, तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। और करा इसलिए रहे हैं ताकि आज जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो कोई आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको इसका हिंदी अर्थ एक बार बता दे रहे हैं। अब जल्दी से आप लोग अपनी किताब में ध्यान दीजिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें दिए हुए हैं पहला स्टंजा आपका दिए हुए हैं एंड हु आर्ट दाउ। आर्ट मीन्स हमने क्या बताए थे, आर बताए थे, और दाउ मीन्स हम क्या बताए थे, यू बताए थे। ये ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज है, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है, हमने बताए हुए थे वहां पर। तो क्या हो गया, कभी क्या कहते हैं एंड हु आर यू मीन्स तुम कौन हो, मीन्स इस बात को किससे पूछते हैं, कभी जो है बारिश से पूछते हैं कि एंड हु आर यू तुम कौन हो। सेड आई मैंने कहा टू दी सॉफ्ट फॉलिंग सावर, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे गिरती हुई, सावर मीन्स बारिश से, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच जो कि स्ट्रेंज टू टेल बताने में विचित्र बात है, गेव मी एन आंसर उसने मुझे एक उत्तर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड जैसा कि उसका यहां पर अनुवाद किया गया है, मीन्स जो बारिश ने जवाब दिया था कवि को, जो उत्तर दिया गया था उसका यहां पर ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया है। अब देखिए बारिश क्या कहती है, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं, सेड द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स जो है बारिश की आवाज ने कहा, बारिश की आवाज ने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। इटर्नल मीन्स हमेशा,
आई राइज में उठती रहती हूँ इम्पैल्पेबल मीन्स अनछुए ढंग से, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, मैं हमेशा अनछुए ढंग से ऊपर उठती रहती हूँ आउट ऑफ द लैंड मीन्स जमीन पर से एंड द बॉटमलेस सी और अथाह सागर से या अथाह समुद्र से, मैं हमेशा अथाह सागर और जमीन पर से हमेशा अनछुए ढंग से ऊपर उठती रहती हूँ। अब ऊपर कैसी उठती है, हमने आपको बताए हुए थे उसमें भाप के रूप में या ऊपर, सॉरी हाँ भाप मीन्स वाष्प, वाष्प के रूप में या ऊपर हमेशा उठती रहती है। तो इसी चीज को हमने जो बताए थे यहाँ पर आपको यहाँ तक दिए हुए हैं। ये प्याची आपका पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि इस स्टेंजा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, राइट द टाइटल मीन शीर्षक को लिखिए। शीर्षक क्या होता है, जो पोयम का नाम होता है वही शीर्षक होता है। तो यहाँ पर कही हुई राइट द टाइटल शीर्षक को लिखिए आप दी पोयम मीन्स उस कविता का फ्रॉम विच दी एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, जहां से यह पद्यांश लिया गया है, मीन्स इस कविता का शीर्षक लिखिए जिससे यह पद्यांश क्या किया गया है, लिया गया है। अब अच्छे इस पोयम के शीर्षक कौन क्या है, इस पोयम का शीर्षक क्या है, मीन्स इस पोयम का नाम क्या है, डिवाइस ऑफ द रेन, आपको यही लिखना है। अब देखिए कैसे लिखी हुई है, द टाइटल ऑफ द पोयम इज मीन्स इस कविता का शीर्षक है डिवाइस ऑफ द रेन, मीन्स वॉइस ऑफ द रेन मीन्स बारिश की आवाज इस पोयम का टाइटल है, इस पोयम का शीर्षक है। ए प्याची आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, जितना पूछा गया है हम केवल उतना ही लिखा रहे हैं, एक भी वर्डिंग एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहे हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिए हुए हैं, What did the rain call herself? ध्यान से सुनना, What did the rain means rain ने क्या कहा, call herself means स्वयं को, means वर्षा ने स्वयं को क्या कहा, तो भैया वर्षा ने स्वयं को क्या कहा हुआ है, अपनी आप को पृथ्वी की कविता कहा हुआ है ना। इसमें देखो दिए हुए है ना कि आई एम दी पोएम ऑफ दी अर्थ, चौथी लाइन में यहां पर देखो आई एम दी पोएम ऑफ दी अर्थ, पांचवी लाइन आई एम दी पोएम ऑफ दी अर्थ दी हुई है ना, तो वही चीज है, वर्षा ने अपने आप को क्या कहा था कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, तो इसी को आपको लिख देना है। देखिए कैसे लिखी हुई है, The rain called herself, बारिश ने स्वयं को कहा, The poem of the earth, मीन्स पृथ्वी की कविता, बारिश ने अपनी आप को क्या कहा, पृथ्वी की कविता कहा हुआ है। तो ए पी आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, The rain called herself, The poem of the earth हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है, और सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्टंजा में से देने हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई उत्तर लिखा रहे हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा रहे हैं, ये जो स्टेंजा में है उसी का उत्तर आपको उसी में से उत्तर लिखा रहे हैं। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मींस कवि ने धीमे-धीमे गिरती हुई बारिश से क्या कहा, क्या पूछा या फिर क्या कहा, जो भी आप समझ सको, व्हाट डिड द पोएट आस्क मींस कवि ने क्या कहा क्या पूछा, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मींस धीरे-धीरे हुई बारिश से, मींस धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से कवि ने क्या पूछा, तो भैया क्या पूछा हुआ था कि हु दे आर मींस कौन वह थी, मींस बारिश कौन थी, यही पूछा हुआ था ना, मीन्स उसमें दिए हुए थे ना, हु आर यू तुम कौन हो ना, यही पूछे हुए थे ना। तो अब जो है सिंपल से देखिए इसका उत्तर कैसे लिख देंगे, द पोएट आस्क्ड मीन्स कवि ने पूछा, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से, हु देवर कि वे कौन थी मीन्स बारिश कौन थी, यहाँ पर पास्ट में प्रश्न पूछा गया है इसलिए हमने पास्ट में उत्तर भी लिखाए हुए हैं कि हु देवर कर दिए हुए हैं कि वह कौन थी, यही बारिश ने क्या किया हुआ था, सॉरी यही कवि ने पूछा हुआ था। तो ए प्याची आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु देवर। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए चौथा प्रश्न है, हु इज द पोयम ऑफ अर्थ, कौन जो है पृथ्वी की कविता है, तो सिंपल सी बात है कौन पृथ्वी की कविता है, कविता है रेन जो है बारिश ही पृथ्वी की कविता है ना, तो सिंपल से आप क्या लिख दोगे, रेन इज द पोयम ऑफ अर्थ मींस जो है बारिश ही पृथ्वी की क्या है, कविता है। तो ये आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, रेन इज द पोयम ऑफ अर्थ हो जाएगा।
अब आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। और ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको कहां से लिखा रहे हैं, स्टंजा में से लिखा रहे हैं, इस स्टंजा से अतिरिक्त कहीं पर कोई उत्तर हमने आपको नहीं लिखा रहे हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ इज द राइजिंग रेन इन इम्पेलपेबल। आप ध्यान दे रहे हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कैसे ऊपर उठती हुई वर्षा को छुआ नहीं जा सकता है। हाउ इज द राइजिंग रेन, कैसे ऊपर उठती हुई वर्षा को इम्पेलपेबल मीन्स छुआ नहीं जा सकता है। इम्पेलपेबल मीन्स होता है अनछुआ, हमने बताए थे ना, इम्पेलपेबल मीन्स अनछुआ, मीन्स जिसे छुआ नहीं जा सकता है। तो इसमें वही दिए हुए हैं कि कैसे ऊपर उठती हुई वर्षा को छुआ नहीं जा सकता है। अब भैया क्यों जो है ऊपर उठती हुई वर्षा को नहीं छुआ जा सकता है। अब वर्षा मीन्स वाष्प, यहां पर वर्षा की जो बात हो रही है मीन्स वाष्प, जो ऊपर वाष्प बन के जाती है उसे क्यों नहीं मीन्स यहां पर वर्षा पूछी हुई है, तो वाष्प हम उत्तर में लिखाएंगे। तो क्यों उसे जो है छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि वह वाष्प के रूप में जाता है। जो बारिश ऊपर जाती है, जो जब एक बार बारिश हो गई नीचे जमीन पे गिरी, जमीन पे गिरने के बाद तालाब वाला में जो है जैसे इकट्ठा पानी हो गया, उसके बाद जो वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्प बन करके ऊपर जो जाता है तो वाष्प के फॉर्म में जाता है, इसलिए हम उसे वाष्प को टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज को देखिए हमने लिखाई हुई होंगे, देखिए क्या लिखी हुई है, The rising rain is impalpable means ऊपर उठती हुई वर्षा impalpable means जो है उसे छुआ नहीं जा सकता है। Because क्योंकि it rises in the form of vapor, यह किसके form में उठती है, यह वाष्प के रूप में ऊपर उठती है, क्योंकि यह वाष्प के रूप में बारिश के रूप में ऊपर नहीं उठेगी कि जो है बारिश की बूंद में ऊपर उठ जाए, यह वाष्प के रूप में ऊपर उठती है इसलिए इसे छुआ नहीं जा सकता है। ए इम्पेलपेबल होती है मींस अछूत होती है, अछूत नहीं कहेंगे, अछूत गलत शब्द है, इसे छुआ नहीं जा सकता है, इस कारण से इसे छुआ नहीं जा सकता है। तो प्याची ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द राइजिंग रेन इज इम्पेलपेबल बिकॉज इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये आपका पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चले दूसरे स्टंजे पे, ये आपका पहला स्टंजा कंप्लीट हो गया, हमने पांच प्रश्न करा दिए। आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न केवल आएंगे, तीन प्रश्न, हमने पांच दो एक्स्ट्रा कराए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब चलते हैं पैची, हम लोग जल्दी से दूसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर इसका क्वेश्चन आंसर है, पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग ध्यान से अब सुनिए आगे क्या दिए हुए हैं, और इसका जो है जो सेकंड स्टंजा है, जो लाइन वहां पर छोड़े हुए थे पहले स्टंजा में, उसी के बाद वाली लाइन है, उसी की बाद वाली लाइन है। देखिए अपवर्ड टू हेवन, बारिश कहती है कि हम कहां तक ऊपर उठती रहती हूं, आसमान तक ऊपर उठती रहती हूं। विंस, विंस मींस, ये भी हमने बताए थे ओल्ड इंग्लिश में, विंस कहते हैं किसको, वेयर को कहते हैं, वेयर को जो है ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंस बोलते हैं। तो विंस मींस वेयर, वेयर मींस जहां, विगुली फॉर्म्ड मीन्स हो जाएगा धुधला रूप धारण करना, विगुली मीन्स हो जाएगा धुधला और फॉर्म मीन्स होता है रूप धारण करना। तो जहां जहां पर मैं धुधला रूप धारण कर लेती हूं, अर्थात अपने आप को बादल में कन्वर्ट कर लेती हूं, altogether changed, पूरी तरह से क्या कर जाती हूं, बदल जाती हूं, एंड एट दी सेम, लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूं, मींस यद्यपि मेरा रूप पूरी तरह से वाष्प से बादल में बदल जाता है लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूं। आगे देखिए, आई डिसेंड टू लैब, मैं नीचे उतरती हूँ, टू लैब मीन्स नहलाने के लिए, लैब मीन्स होता है नहलाना, मैं नहलाने के लिए नीचे उतरती हूँ, ड्रॉट्स मीन्स सूखे को नहलाने के लिए, एटॉमीज मीन्स छोटे छोटे कणों को नहलाने के लिए, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मीन्स पृथ्वी के धूल के परत को नहलाने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर द सीड्स ओनली, और उन सभी को जो मेरे बिना केवल बीज ही थे, लेटेंट छुपे हुए थे, अनबॉर्न मीन्स अभी जन्म नहीं लिए हुए थे, मैं उन सभी को नहलाने के लिए नीचे उतरती हूँ। ये पैची आपका जो है सेकेंड स्टंजा हो गया। सेकेंड स्टंजा में हमने आपकी किताब के तीन लाइन को लिए हुए हैं, पहले स्टंजा में शुरुआत की चार लाइन को लिए, दूसरे स्टंजा में शुरुआत जो है उसके बाद की तीन लाइन लिए, और अगला स्टंजा जो तीसरा स्टंजा होगा उसमें अंतिम चार लाइन को लिए हुए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर के आपकी इस पोएम में 11 लाइन थी, हमने चार लाइन पहले स्टंजा में लिए, दूसरे स्टंजा में तीन लाइन, और तीसरे स्टंजा में आपका चार लाइन लिए हुए हैं। तो ये आपका इस तरह से कवर किए हुए हैं। ये पे आपके दूसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं इस स्टंजा के आधार पर कौन से प्रश्न बने हुए हैं। यहां पर देखिए, हु गिव्स लाइफ टू द अर्थ,
कौन जो है पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है, तो भैया इसमें पूछे हुए हैं पृथ्वी को जीवन कौन प्रदान करता है, तो जाहिर सी बात है रेन प्रदान करता है ना, बारिश प्रदान करता है ना, पृथ्वी को जीवन कौन प्रदान करता है, बारिश प्रदान करता है। हालांकि इसका उत्तर अगले स्टंजा के आधार पर है, तो यहां पर एक प्रश्न नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दे दिए हैं, कोई बात नहीं है ये, क्योंकि अगले स्टंजा में जो स्टंजा नंबर 3 में है इसका उत्तर आपको उसमें मिलेगा, यहां पर आपको इसका उत्तर नहीं मिल रहा होगा। अगले स्टंजा में एक लाइन दिया हुआ था, एक लाइन क्या है कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने स्वयं की उत्पत्ति को मीन्स पृथ्वी को स्वयं क्या प्रदान करती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ। तो ये आपका तीसरे स्टंजा के आधार पर देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दे दिए, कोई बात नहीं है। तो इसका उत्तर हम सीधे क्या लिख देंगे, द रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यही केवल पहला प्रश्न गड़बड़ था, बाकी सही है, बाकी सभी इस स्टंजा के आधार पर है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं, हाउ डज रेन बाथ द अर्थ, मीन्स वर्षा पृथ्वी को कैसे नहलाती है या धुलती है, हाउ डज रेन बाथ, कैसे वर्षा नहलाती है द अर्थ मीन्स पृथ्वी को। अब पृथ्वी को वर्षा कैसे नहलाती है, तो आपको पता है जो सूखा हो गया उसको जो है नहलाती है, एटॉमिक छोटे छोटे कण होते हैं उनको नहलाती है, डस्ट लेयर्स जो धूल के परत होते हैं उन्हें नहलाती है। तो उसी चीज को हम इसमें लिख देंगे, देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द रेन बाथिस, बाथस मीन्स जो है वर्षा नहलाती है द अर्थ मीन्स पृथ्वी को बाई वॉशिंग धूल करके, ड्रॉट्स मीन्स सूखे को, एटॉमिक मीन्स छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स और पृथ्वी के परत को मींस जो है धूल के परतों को जो है नहला करके, वास करके, धो करके, या पृथ्वी को क्या करती है, बात करती है, नहलाती है। तो ए पर्ची आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, क्या हो गया, द रेन बाथ्स द अर्थ बाय वॉशिंग ड्रॉट्स एटॉमीज एंड डस्ट लेयर्स, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से प्यारे आप वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपके कोई कमेंट नहीं लिए जाएंगे, आप लोग कमेंट के चक्कर में भैया ना पड़ा करें, क्योंकि कमेंट ले लेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और लंबी वंबी क्लास बनाना नहीं चाहते हैं, आपका टाइम फर्जी का वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चा लोग कहते हैं कि सर जी हमारा नाम ले लीजिए, तो भैया काहे को नाम ले लें, नमुआ में लेके क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा ना, इसलिए समझ जाया करो। आगे चलिए प्याची, यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न दिए हुए हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा टू सीड्स मींस बीज के साथ, विदाउट रेन मींस बिना बारिश के, मींस जो है वर्षा के बिना बीजों का क्या होगा, तो भैया बीजों का क्या होगा, बीज छिपे ही रह जाएंगे और जो है वह जन्म ही नहीं लेंगे, मीन्स उत्पन्न ही नहीं होंगे, यही होगा बीजों के साथ ना, तो उसी चीज को हम उत्तर में लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, इस स्टंजा में क्या दिए हुए हैं, यहां पर देखिए एंड ऑल लास्ट वाला जो है लाइन, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, लेटेंट मीन्स होता है छिपे रहना, अनबॉर्न मीन्स जन्म ही नहीं उनका होगा, और मेरे बिना वे छिपे रहेंगे और उनका जन्म ही नहीं होगा। तो आप उसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, The seeds would remain hidden, means बीज हमेशा छिपे रह जाएंगे, and unborn और जन्म ही नहीं लेंगे, without rain means बिना बारिश के, बिना बारिश के बीज हमेशा के लिए छिपे ही रहेंगे और जन्म ही नहीं लेंगे। तो प्यारे ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, The seeds would remain hidden and unborn without rain, ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यहां पर भी है, वेयर डज द रेन गो, मीन्स जो है वेयर डज रेन गो मीन्स वर्षा कहां जाती है, तो भैया वर्षा कहां जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना, आसमान की तरफ जाती है वर्षा ना, तो वही इसी चीज को लिख देंगे। पहली लाइन में दिया हुआ था अपवार्ड दी हेवन, पहली लाइन में दिए हुए थे, वही आपका इसका उत्तर हो जाएगा, द रेन गोज मीन्स बारिश जाती है अपवार्ड टू हेवन मीन्स आसमान की तरफ, मीन्स बारिश ऊपर आसमान की तरफ जाती है, वहीं पर तो बादल बनाते हैं, और जो है बारिश किसके रूप में फॉर्म में जाती है, किस फॉर्म में जाती है, वाष्प के फॉर्म में ऊपर जाती है, बादल बनाते हैं, फिर वहां से बारिश होती है। तो प्याची ये चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, द रेन गोज अपवार्ड टू हेवन हो जाएगा, ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए दिए हुए हैं, What does visually formed mean? Means हो जाएगा अस्पष्ट रूप से धारण की हुई का क्या तात्पर्य है? अब visually means होता है अस्पष्ट रूप से, formed means होता है धारण करना या रूप ग्रहण करना,
मीन्स अस्पष्ट रूप ग्रहण करना या धारण करने का क्या मतलब है। तो भैया जो है अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है ना, कहां पर जाकर के, आसमान में जाकर के बारिश की बूंदें वाष्प के रूप में जब आसमान में जाती है तो वेगुली फॉर्म्ड रूप धारण कर लेती है ना, मीन्स अस्पष्ट रूप से जो है वह रूप धारण कर लेती है ना। तो अस्पष्ट रूप धारण करने का मतलब हो जाता है को क्लाउड्स बना लेते हैं, मीन्स बादल बना लेते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, जो अस्पष्ट नहीं होते हैं, ऐसे बादल का फॉर्म बनाते हैं जो अस्पष्ट नहीं होते हैं। उसी चीज को यहाँ पर इसके प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, इट मीन्स इसका तात्पर्य है रेन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, मीन्स वर्षा जो है बादलों के रूप में होना, इसका तात्पर्य है कि वर्षा का बादलों के रूप में होना, दैट हैव नो क्लियर फॉर्म, जिनका अस्पष्ट आकार नहीं होता है। मीन्स इसका तात्पर्य है वर्षा का बादलों के रूप में होना जिसका जो है कोई अस्पष्ट आकार नहीं होता है, दैट हैव नो क्लियर फॉर्म, जिसका कोई अस्पष्ट आकार नहीं होता है। तो प्यारे ये पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और यहीं पर जो है इस पांचवें प्रश्न के साथ आपकी क्लास की भी समाप्ति होगी। अब दो स्टंजा करा दी हुई हैं, एक स्टंजा बचा हुआ है, उस स्टंजा का जो है स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति हम लोग करेंगे। अब अच्छी यहां पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई है, मीन्स पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी होंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाता है, रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी, और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स के लिए अभी से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ईम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देनी है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन का प्रोसेस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज की क्लास की समाप्ति अब हम लोग यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए प्यारे संघर्ष से आपको पीछे नहीं भागना है, आपको जबरदस्त संघर्ष करना है ताकि आप क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सके। तो इसलिए संघर्ष में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।